हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों एक बार फिर से आया हूं मैं एक न्यू ब्लॉग लेकर। तो जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, मैं हूं इस वक्त अपने बगीचे में और हमारा यहां पर चल रहा है अभी कटिंग का शेड्यूल। तो मैं अकेले ही अपने बगीचे में कटिंग कर रहा हूँ। तो आज भी मैं अपने बगीचे में आया हूँ, मैं सुबह ही आ गया था। तो मेरे पास फ़ोन में बैटरी थी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे हाथ में ये कैंची। तो आज मैं फिर से ही अपने बगीचे में कटिंग कर रहा हूँ, देखते हैं कितने प्लांटों में आज कटिंग कर पाऊँगा। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगा। तो फिलहाल आप आज देखिए मौसम, देखिए आप एकदम ठंडा मौसम हो चुका है, इतनी ठंड हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा। तो हम तो गॉड से यही प्रे करते हैं कि बारिश हो जाए और बर्फ़ गिरे, ताकि हमारे जो बागवानी है वो और अच्छी तरह से चले। क्योंकि हमारे जो बाग बगीचे हैं, सेब के हैं, नाशपाती के हैं और कई तरह के प्लांट लगे हैं, उसके लिए बर्फ़ का गिरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी आज है 20 दिसंबर हो गया है, तो अभी बर्फ़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मिट्टी है ना, मिट्टी मैं आपको दिखा देता हूँ, मिट्टी आप देख सकते हैं ना, इतनी ड्राई हो चुकी है कि अगर हम यहाँ से इधर उधर चले गए तो धूल गिरनी शुरू हो जाएगी। तो गौर से हम यही प्रे करते हैं कि हमारे लिए बारिश हो, और ताकि हमारे जो बाग बगीचे हैं वो और अच्छी तरह से खिले, आने वाले समय में फसल भी अच्छी हो। तो मैं पीछे की तरफ आपको एक छोटा सा शॉट दिखा लेता हूँ किस तरह का वेदर है आज का। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का वेदर है आज का। तो यहाँ देखिए घनघोर काले बादल छा चुके हैं और बीच में मौसम साफ ही है और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। आज सुबह के समय में तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो ये है अभी आज का इस तरह का मौसम। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं अभी अपने खेत में आया हूँ कटिंग करने के लिए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ मम्मी क्या कर रहे हैं। मम्मी क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए जी, मम्मी ने तो सर्दी का जुगाड़ करके रखा है, लकड़ियाँ ला ली है। तो ये आप जो ये वाली लकड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये तो आग जलाने के काम आते हैं। जब हम अपने चूल्हों में घर में आग जलाते हैं, इससे आग जलाना बहुत आसान हो जाता है। बाकी मैं नीचे की तरफ से जाके आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने लकड़ियों का प्रबंध कर रखा है, सर्दियों का जुगाड़ है हमारा। तो ये देखिए जी, इतनी सारी लकड़ियाँ ला रखी है मम्मी ने, यहाँ पर इकट्ठी कर रखी है सारी लकड़ियाँ मम्मी लेके आए थे। तो ये हमने पहले लास्ट ईयर में काट कर रखी थी, और तो दूसरे जगह में बगीचे में हमने ये रखी थी, और अब आज हमने इसको इकट्ठा करके ला लिया है। तो बताओ मम्मी, ठंड लग रही है क्या? दाठू बांधा हुआ मुँह में, ठंड हो रही है क्या? लगता है क्या लगता है बर्फ गिरेगी? बर्फ गिरेगी, क्यों नहीं गिरेगी? जब इस महीने में गिरेगी बर्फ, से गिरती होगा भाई। बर्फ नहीं गिरेगी तब कहाँ से होगा? अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ देखिए मम्मी भी यही बोल रहे हैं कि अगर बर्फ़ गिरेगी तो सेब भी अच्छे होंगे, और अगर बर्फ़ ना गिरी तो सेब कहाँ से अच्छे होंगे। तो हम भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बर्फ़ गिरे और ताकि हमारी फसल अच्छी हो। और भी कई तरह की हमें फसलें बीजते हैं, जैसे आलू मटर और कई तरह की फसलें होती हैं, वो भी आने वाले समय में अच्छी होगी। तो पहले सबसे जो हमारा मेन इनकम का जो सोर्सेज है वो है हमारे सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, इस तरह की वैरायटियाँ हमने लगा रखी है। तो उम्मीद यही करते हैं कि भगवान से कि बारिश अच्छी हो और हमारे लिए जो हमारे इनकम का सोर्स है उससे हमें फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों, आज का जो काम है वो हम कर लेते हैं शुरू। तो आज कटिंग कर लेते हैं हम, तो आपको दिखाते हैं किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम अपने बगीचे में किस तरह की कटिंग करें हैं, तो यही हमारा अभी आजकल प्रोसेस चल रहा है।
तो जैसे कि आपको पता है डेली व्लॉग्स लेकर आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं आज का काम शुरू। तो दोस्तों अभी है दोपहर का समय, तो अभी 3 बज चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बैक साइड में, तो जैसे सुबह घनघोर बादल थे उससे ज़्यादा वो घनघोर बादल हो गए हैं यहाँ पर। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि दोपहर के समय में जो हवा चल रही है बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। तो बाकी आप देखिए मौसम इस तरह का है कुछ अभी। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही सुहाना मौसम, तो हम लोगों के लिए अगर इसी तरह का मौसम रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखो भाई शाम के समय का डूबता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा है। और ये बादल देखिए कितने काले बादल हैं इसमें। और ये देखिए आप अभी का व्यू। ये आ गए जी मम्मी, कहाँ गए थे मम्मी? घास लाए। कितने घास लाया? बहुत लाया। ठंड कैसी है बाहर आज? अभी ठीक ही है, दादी भी नहीं है। अच्छा ये आए जी मम्मी यहाँ पर, मैं सोया था तो मम्मी आ गए मेरे पास बैठने। तो मम्मी आए हैं किस लिए आए तो मेरे को पता है, मम्मी आए हैं फोन में वीडियो देखने के लिए कि वीडियो दिखा दे मेरे को, है ना? वीडियो देखनी, क्या खा रहे हैं? अखरोट। अखरोट? अच्छा मेरे लिए नहीं दिए। अच्छा ठीक है ठीक है, बाय 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 करो। बाय बाय हाथ से करो, बाय बाय कैसे कहते हैं? बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं शाम के 5 बज चुके हैं और मैंने यहाँ पर कटिंग लगभग 10 से 12 पौधे आज कटिंग की मैंने। तो पूरे दिन भर मैं आज कटिंग में लगा रहा। तो ये हमारा जो पोनेलाइज का जो प्लांट है इसमें भी मैंने कटिंग की है, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉप भी लग गई थी और न्यू ग्रोथ के कोई इसमें ज़्यादा टहनियाँ नहीं निकली है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है ताकि इसमें थोड़ी सी जान बने और इसमें नए जो वाटर शूट होते हैं वो भी निकले और नई ग्रोथ भी आए इसमें। तो क्योंकि जब इसमें नई ग्रोथ भी साथ साथ में चलेगी तो ये पौधा और लंबे समय तक चलेगा। तो बाकी मैं यहाँ आपको दिखा लेता हूँ आज के दिन का जो हमारा प्रोग्रेस था। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर भी इन टहने को शॉर्ट कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा झुक जाती थी। अगर आप इसको अभी इस तरह से झुकाएंगे तो इसमें इतना ज़्यादा वज़न नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसमें भी ज़्यादा वज़न नहीं पड़ेगा। तो मैंने इस तरह की आज कटिंग की इस बगीचे में। तो आप यहाँ देखिए, तो यहाँ इस वाली साइड से लेकर मैं कटिंग करते हुए आया और यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है। तो कल के लिए जो हमारा काम बचेगा, कल हम ये वाले प्लांट में यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो नीचे वाली साइड से तो हमने आधे से ज़्यादा प्लांट में कटिंग कर दी है। तो ये हमारा छोटा प्लांट आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसमें भी हमने कटिंग कर दी है। तो देखिए, तो जो ये वाला प्लांट है ना इसके राउंडिंग में भी सारे में हमने कटिंग कर दिया है। तो यहाँ से लेकर सारे पेड़ों में हमने राउंडिंग में कटिंग कर दी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर की तरफ कटिंग करने को बाकी बची है, तो उसको हम कल करेंगे। तो शाम को आप देख सकते हैं व्यू किस तरह का है। तो पूरे दिन में आपने देखा कि बहुत ही घनघोर बादल थे, तो अब बादल जो है वो भी जैसे सूरज ढलता गया वैसे बादल भी उसके साथ साथ इस साइड को ढलते गए। और अभी मौसम आप देखिए, मौसम एकदम से साफ हो चुका है। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि आज बारिश होगी। तो दोस्तों आज के दिन का जो काम था, तो मम्मी ने तो आज क्या काम किया वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मम्मी ने आज थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर आए और मैंने आज थोड़ी सी कटिंग भी की खेत में। तो थोड़ी सी तो नहीं, सुबह से लेकर मैं आज कटिंग कर रहा था, तो काफ़ी थक भी चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो होप करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारे डेली ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, वो भी आप कमेंट करके बताएं। तो हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करो ताकि आप लोगों को हमारे डेली ब्लॉग्स के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले और आप हमारे
ब्लॉग्स को एंजॉय कर सके। तो चलिए हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल दोस्तों, बाय बाय।